जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक भारतीय हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो आधार कार्ड का महत्व आप अच्छे से जानते होंगे। आप सभी को अच्छे से पता है कि आधार कार्ड हम सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसी तरह एक और डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। दोस्तों ये भी आज हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आज के इस वीडियो में हम इसी पैन कार्ड को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर ये पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड का यूज़ कहां पर और क्यों किया जाता है, पैन कार्ड को कौन लोग बनवा सकते हैं, पैन कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको कितनी पेमेंट या कितनी फीस इसके लिए देनी होती है। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैन कार्ड है इसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इसको ज़्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स यानी कि वित्तीय लेन देन की जितनी भी संस्थाएं आज इंडिया में काम कर रही हैं, फिर चाहे वो कोई बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि ऐसा कोई भी काम जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा हो, वहाँ पर इस पैन कार्ड को बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का दर्जा कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैन कार्ड, जब आप एक नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो इसको बनाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। दोस्तों यहाँ पर ये जो पैन कार्ड होता है इसको रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करने का काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पैन कार्ड होता है इसके अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, एक लेमिनेटेड कार्ड होता है जिस पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ छपी हुई होती हैं। उन जानकारियों की अगर हम बात करें तो पैन कार्ड पर आपका नाम, आपके कह सकते हैं फादर का नाम, आपकी फ़ोटो जो कि कलरफुल होगी, इसके अलावा आपका इस पे सिग्नेचर होता है, ये सभी जानकारियां पैन कार्ड पर आपकी दी गई होती हैं। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो पैन कार्ड पर नहीं छापी जाती हैं लेकिन वो पैन कार्ड में होती हैं, जैसे कि पैन कार्ड जो होल्डर है, जिसका पैन कार्ड है, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस। यानी कि जब नया पैन कार्ड बनाया जाता है तो वो उस सही एड्रेस पर पहुँच पाए जिसके लिए उसको बनाया गया है, और जो मोबाइल नंबर है उसको फर्दर किसी भी चेंज के लिए यूज किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस पैन कार्ड को यूज किस किस एरिया में कहां कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला यूज है बैंक्स के अंदर। आज आप किसी भी बैंक में जाइए, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, आपको किसी भी तरह का अकाउंट खुलवाना है, आपको कोई पीएफ अकाउंट या फिर कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, किसी भी अकाउंट आपको खुलवाना है, इन सभी के अंदर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं, आप गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, इनके अंदर भी आपको पैन कार्ड देना होता है। वहीं आप किसी भी तरह का लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पर भी पैन कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनवाने हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, अगर ये आपको बनवाने हैं तो इसमें भी आपसे पैन कार्ड आपका मांगा जाता है। इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी एरियाज में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी के बराबर होती है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हमको एक पैन कार्ड बनवाना है तो इसके लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों पैन कार्ड बनवाते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि एक आपकी आईडी होनी चाहिए, दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ, तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड चल जाएगा क्योंकि उसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड यहां पर काम कर जाएगा क्योंकि ये तीनों चीजें आधार कार्ड के अंदर होती हैं। तो एक कह सकते हैं आधार कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, एक मोबाइल नंबर, ये जानकारियां अगर आपके पास हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आप अपने आधार कार्ड को आसानी से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड का यूज कहां पर किया जाता है, पैन कार्ड को कैसे और किस डॉक्यूमेंट के सहारे आप बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।